Let's talk about Bihar now, where even though numbers of positive patients are coming down, but health professionals and experts continue to doubt the numbers, saying that the situation in rural areas is much worse than that is being reported, as not many tests are being done as well. To find out the ground reality, NDTV traveled to Singhwara block in North Bihar's Darbhanga district. That's about 125 kilometers from the capital in Patna, where situation seems to be grim, to say the least. बिहार में पिछले तीन दिनों से मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को लेकर संशंकित है कि आखिर ग्रामीण इलाकों में क्या हाल है। हम यहाँ फिलहाल दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा ब्लॉक में हैं। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था है। लोग हैं, काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ पर हर दिन अमूमन 200 एंटीजन टेस्ट होता है और करीब 10। आप लोग कितना एंटीजन और कितना RT-PCR करते हैं? अभी दो दिन से टारगेट है 200 का एंटीजन, 200। पहले कितना था? पहले तो कम था, 65-70 रहता था। 65-70 RT-PCR का आता था और एंटीजन का कम आता था सर। अभी जो है टीका के लिए बढ़ गया है, वैक्सीन 18+ शुरू हुआ है ना टीका, इसीलिए बढ़ गया। पर डे का 200 टारगेट आ गया, पहले सबका करना है, उसके बाद ही ऑर्डर करना है। मामला कितना है, ज्यादा है कम है? क्या चीज का मामला? पॉजिटिव ज्यादा जांच हो रहा है तो पॉजिटिव ही ज्यादा आ रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था इतना, ज्यादा आ रहा है क्योंकि जांच बढ़ गया है ना, इसलिए ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब गांव-गांव में फैला हुआ है? हाँ हाँ, बीमारी तो फैला हुआ है, गाँव तक आ गया है। आप लोग यहाँ पे ग्रामीण इलाके से आए, क्या पोजिशन है गाँव में, क्या स्थिति है? गाँव में स्थिति है की मैंने अभी परसेंटेज के हिसाब से 5-10% है, लेकिन फैल रहा, बढ़ रहा है। और इलाज क्या हो रहा है? इलाज यहाँ आता है तो एक किट ही लोग रखते हैं, वो दे देते हैं बस, और कोई इलाज नहीं है। आप लोग कहाँ से आए, क्या स्थिति है गांव में? शिवरी से आए, बगल के गांव में। हाँ बताओ क्या स्थिति है? स्थिति अच्छा है। अच्छा मिस, हाँ परसेंटेज क्या है? परसेंटेज अभी वहाँ पेशेंट वगैरह नहीं निकला अभी। वही आप लोग के गांव में? मेरे गांव में भी कुछ कुछ है, बट ये अभी उतना प्रभावी रूप से नहीं हुआ। लोग छिपा रहा है या लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा? नहीं मालूम नहीं, मालूम नहीं चल पा रहा, मालूम नहीं चल पा रहा। लोग जांच कराने के लिए आ रहे हैं या जांच कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बट यहाँ पे उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा, जो जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? तो क्या स्थिति क्या है गांव के अंदर, स्थिति क्या है गांव के अंदर? है वही कि जार बुखार जो है सो ज्यादा लोगों को आ रहा है, खांसी भी ज्यादा है। अभी मौसम मौसम का हिसाब से जो लोग ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं, ये चीज है। छिपा भी रहे? नहीं छिपा तो नहीं रहे लोग, लेकिन वही कि सर्दी खांसी जुकाम तो है ही है सबको। सबका ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मामले जो हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो जांच कराने के लिए नहीं आते हैं, जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनका कहना है एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक लोगों के बीच में जो है आप कह सकते हैं कि हेजिटेशन का कारण ही है। उनको लग रहा है कि इसका जो निगेटिव है वो फिर बाद में जिस प्रकार से नियम था कि RT-PCR में उसकी जांच जरूर की जानी चाहिए, वो इस बार उसकी कमी है।